नमस्कार, मी माधुरी पाटील। अकोला टाईम्समध्ये आपलं स्वागत आहे। अकोला महापालिकेमध्ये सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताच्या जोरावर केला मनमानी कारभार, राजेश मिश्रा यांनी केलाय आरोप। गेल्या 5 वर्षात प्रत्येक कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात महापालिकेमध्ये भ्रष्टाचार होत आहे। चर्चा न करता ठराव घेऊन केवळ फायदा डोळ्यासमोर ठेवून कामं होत आहेत। अशा प्रकारे सत्ताधारी मनमानी कारभार करीत असल्याचा आरोप अकोल्यातील विश्रामगृह येथे सोमवारी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत सेनेचे राजेश मिश्रा यांनी केलाय। त्याबाबत सेनेनं प्रत्येक वेळी विरोध केला, मात्र सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताच्या जोरावर विषय पास केले असल्याचंही राजेश मिश्रा यांनी आरोप केला आहे। त्यामुळं सेनेनं महाराष्ट्र शासन दरबारी याबाबत तक्रारी केल्या, पाठपुरावा करून महाराष्ट्र शासनानं योग्य निर्णय घेऊन त्या विषयांना विखंडित करून महाराष्ट्र शासनानं आता अकोला महापालिकेचे 139 ठराव निलंबित केलेत आणि अधिकाऱ्यांसह यामध्ये जे सहभागी आहेत त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात यावे असा आदेश दिलाय। अशी माहिती यावेळी महापालिका सेनेचे नगरसेवक गटनेते राजेश मिश्रा यांनी दिलाय। शरद शेगोकार, अकोला टाइम्स। अकोला महानगरपालिका में जो कारभार चालू है सत्ताधारियों का मनमानी कारभार, केवल 5 साल इन लोगों ने लोगों के हित में एक भी काम न करते हुए केवल खुद का हित साधा है और वो हित के अंदर भ्रष्टाचार किया है, ऐसा मेरा आरोप है। क्योंकि अभी महानगरपालिका में पिछले 3 साल से साहिल नाम की जो कंपनी है उस कंपनी को बिना टेंडर के कंटिन्यू 3 साल से काम दिया जा रहा, उस पर हमने वारंवार कंप्लेंट किया। टेंडर आने बाद में भी जो कंपनी लोएस्ट है उसको काम न देते हुए, उसको रद्द करते हुए, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई कारण नहीं है और न कारण बताया जा रहा, तो भी ये काम जो साहिल कंपनी है उसको काम दिया जा रहा। यानी करीब करीब 20 लाख रुपये महीने का महानगरपालिका का नुकसान सत्ताधारी लोग बैठ के कर रहे। उसी प्रकार शहर में जो दैनंदिन जो कचरा उठता घंटा गाड़ी से, उसका टेंडर आया हुआ है। टेंडर आने बाद में पूना की कंपनी है वो 7% देने तैयार थी, उसकी नागपुर कंपनी है जो 8% देने तैयार है, लेकिन इन लोगों ने उसको भी अवॉइड किया और जो कम दे रहे ऐसे लोगों को काम देने की कोशिश कर रहे। हम लोगों ने उसका विरोध किया तो विरोध करने के कारण उनके पास में कोई जवाब नहीं था, तो उन लोगों ने इस विषय को स्थगित रखे हुआ है। हमारा बार बार कहना है कि हम लोग यहाँ पर जो चुन के आए हुए हैं वो गांव के विकास के लिए आए हुए हैं, लोगों के हित के लिए आए हुए हैं, लेकिन जो सत्ताधारी है इन्होंने मनमानी कारभार, क्योंकि उनके पास में बहुमत है, बहुमत के आधार पे, बहुमत के दम पे वो यहाँ पर, ऐसा कोई विषय नहीं महानगर पालिका में कि जो विषय में इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है। अमृत योजना का जो पाइपलाइन है जो 3.5 फुट पाइपलाइन नीचे होना, वो कहीं पर 1.5 फुट पे है, कहीं 2 फुट पे है, उसकी जो जॉइंडिंग है वो जॉइंडिंग चाइना का लगे हुआ, उसके अंदर जॉइंडिंग उन्होंने चाइना की हुई है, जो कांक्रीट किया हुआ है वो कांक्रीट फूट गया है। और शहर में जो रास्ते बने वो रास्ते की हालत शहरवासी देख रहे, जो रास्ते आज बने हुए 1 साल पहले बने हुए वो रास्ते सब फूट गए। आज से 2002 में जो रास्ते बने थे 16 कोटी में, आज भी वो रास्ते कायम है। इसका ये फुल प्रूफ है कि 20 साल पुराना रास्ता कायम है, लेकिन 1 साल पुराना जो रास्ता कांक्रीट का है जो 25-25 साल था उसका गारंटी होना, लेकिन वो रास्ते के कोई पूछने वाला नहीं है, वो रास्ते फूट रहे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। जिन लोगों ने कहा कि हमने गांव का विकास किया, मेरा उन लोगों पे आरोप है कि आपने विकास नहीं किया, आपने विकास में भ्रष्टाचार किया।